हेलो एवरीवन सो गाइस इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास नाइन्थ साइंस दैट इज मोशन ये चैप्टर एन से चैप्टर नंबर एट है और आपके साइंस की फिजिक्स पार्ट से चैप्टर नंबर फर्स्ट गाइस मुझे आपके बहुत सारे मैसेजेस आए कमेंट्स आए ये चैप्टर आपके डिमांड पर बनाया जा रहा है तो गाइज़ ये है हमारा फिजिक्स का चैप्टर तो जाहिर सी बात है इसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे इसीलिए हम इस चैप्टर को करेंगे दो पार्ट में फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके सारे थ्योरीज और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके सारे न्यूमेरिकल्स सो तो गाइस आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो सिर्फ दो स्टेट में होता है पहला या तो वो रेस्ट में होगा या फिर वो मोशन में होगा इस चैप्टर का नेम ही है मोशन तो सबसे पहले हम देखेंगे रेस्ट व्हाट इज़ रेस्ट ए बॉडी इज़ सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट वेन इट्स पोजिशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ए रिफरेंस पॉइंट सो गाइज अगर कोई भी ऐसा बॉडी है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपना पोजिशन चेंज नहीं कर रहा है किसी भी रिफरेंस पॉइंट से तो उसे हम क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे रेस्ट पोजिशन इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है हमारे पास गाइज़ आपको दिखाई दे रहा होगा ये शॉप और आपको ये मोटरसाइकिल भी दिखाई दे रही होगी सो so गाइज़ इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मेंटेन है ये दोनों एक ही जगह पर हैं मीन्स ये अपने डिफरेंस पॉइंट से ना ही आगे जा रहे हैं ना ही पीछे तो कहने का मतलब ये रेस्ट में है गाइज़ अब देखते हैं मोशन क्या होता है एज़ यू नो हमारे इस चैप्टर का नेम भी है मोशन सो so गाइज़ ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन वेन इट्स पोजिशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट एक बॉडी जब मोशन में आता है वो अपने रिफरेंस पॉइंट से अपने पोजिशन को चेंज कर लेता है गाइज इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ गाइज हमारे पास सेम एग्जाम्पल रहेगा ये है हमारा शॉप और गाइज शॉप अपने जगह पर अपने रेफरेंस पॉइंट पर स्थित है और ये जो बाइक है ये भी अपने जगह पर है और जैसे ही जैसे ही बाइक वाला बाइक स्टार्ट करेगा थोड़ी देर बाद आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे बाइक थोड़ी सी आगे आ गई है तो यहाँ पर हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि पहले बाइक यहाँ पर थी और अब बाइक यहाँ आगे आ चुकी है तो कहने का मतलब जब बाइक यहाँ पर थी तब बाइक थी रेस्ट में बट अब बाइक आ गई है यहाँ पर बिकॉज ऑफ मोशन बाइक एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल की है तो सिंपली हम कह सकते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह अपनी पोजिशन चेंज करता है उसे हम मोशन कह सकते हैं मोशन के होते हैं तीन टाइप्स फर्स्ट वन आता है लीनियर मोशन सेकेंड वन है सर्कुलेट्री मोशन और थर्ड है ऑसिलेटरी मोशन तो बार लीनियर मोशन से आपको क्या लगता है लीनियर मोशन तो गाइज लीनियर मोशन होता है एक सीधी लाइन में और फिर आता है उसके बाद सर्कुलेटरी मोशन तो गाइज सर्कुलेट्री मोशन होता है एक सर्कुलर में जब कोई भी मोशन एक सर्कुलर पैथ पर होगा तो उसे हम कहेंगे सर्कुलेट्री मोशन और जब कोई भी मोशन एक लाइन में होगा तो उसे हम कहेंगे लीनियर मोशन और गाइज इसमें आता है एक ऑसिलेटरी मोशन तो इसके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास मिलेगा घड़ी का पेंडुलम तो शायद आपने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा वो गैज कुछ इस टाइप का होता है कुछ देर बाद वो इधर जाता है फिर थोड़ी देर बाद वो इधर हो जाता है गैस अब हम देखते हैं फिजिकल क्वान्टिटीज़ ये फिजिकल क्वान्टिटीज़ क्या होती हैं इट इज़ ए फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल दैट कैन बी मेज़र्ड किसी मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे हम मीज़र कर सकते हैं जिसे हम माप सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं हाइट तो गैज हाइट को हम इज़ीली मेज़र कर सकते हैं फॉर एग्जांपल हाइट को हम मेज़र कर सकते हैं फाइव फीट, तो हाइट को हमने मेज़र किया ये हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल मीन्स ये हमारी बॉडी का एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी हो गया कि हम हमारी हाइट कितनी है इसमें होता है टू टाइप्स द फर्स्ट वन इज़ स्केलर क्वांटिटी पहला आता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा आता है वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी को देखते हैं इट इज़ ए फिजिकल क्वान्टिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन तो गायज इसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है मैं आपको मैग्नीट्यूड थोड़ा सा बता देता हूँ इसका एग्ज़ाम्पल आप लीजिए थर्टी के जी ये थर्टी के जी आपका होगा मैग्नीट्यूड और एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं फाइव फिट तो ये भी हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड जो भी नंबर वाली क्वांटिटी होगी उसे हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो जाएगी आपकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन तो गैज़ ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखने को मिल सकता है गैज़ इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमारे पास मैग्नीट्यूड है 48 किलोमीटर और इसके आगे अगर लिखा हुआ ईस्ट तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमें 48 किलोमीटर ईस्ट जाना है तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे वेलोसिटी एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम एंड फोर्स अब आता है फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मोशन गैज़ मोशन में फिज़िकल क्वांटिटीज क्या क्या होते हैं तो इसमें हमारे पास पॉइंट है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी एक्सीलरेशन तो गैज़ ये होते हैं मेन फाइव पॉइंट्स फिजिकल क्वांटिटीज के और इसके साथ में हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को और इसके ग्राफ्स को और इक्वेशन ऑफ मोशन तो गैज़ आप ये कह सकते हैं कि हमें इस चैप्टर में यही टॉपिक्स को डिस्कस करना है लेट इज स्टार्ट विथ डिस्टेंस तो गाइज डिस्टेंस होता क्या है वाट इज डिस्टेंस द एक्चुअल पैथ लेंथ ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस तो गाइज जो एक्चुअल पैथ होता है जिसे कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ सपोज ये हो गया आपका टेन किलोमीटर ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एट्टी नाइनटी गैर सपोज कोई ऑब्जेक्ट है वो ए से ट्रैवल करता है लास्ट पॉइंट डी तक मीन्स उसने ट्रैवल किया हंड्रेड किलोमीटर फिर वो डी से वापस आ जाता है बी पर मस फोर्टी पे तो कहने का मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स उसने सिक्सटी किलोमीटर और ट्रैवल कर लिया तो इसमें हम प्लस सिक्सटी कर देंगे तो उसने टोटल कितना किलोमीटर ट्रेवल किया यस yes, उसने टोटल वन हंड्रेड एंड सिक्सटी किलोमीटर ट्रैवल किया यहाँ पर आता है इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। तो गाइस हमने अभी भी कुछ देर पहले स्केलर क्वांटिटी को डिस्कस किया था तो कहने का मतलब डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगा और दिया हुआ है इट आलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी ज़ीरो तो गैज़ ये हमेशा पॉजिटिव होता है और ये जीरो कभी नहीं हो सकता है क्योंकि गाइज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में ही जाता है ये निगेटिव हो ही नहीं सकता इट्स एस आई यूनिट इज मीटर तो गाइज इसका जो एस आई यूनिट होता है वो होता है मीटर गाइज़ तो अब आता है हमारा सेकेंड टॉपिक दैट इज डिसप्लेसमेंट यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट होता क्या है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी इनिशियल पोजीशन और हमारे फाइनल पोजीशन के बीच में उसे हम क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ इनिशियल पोजीशन का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पोजीशन का मतलब एंडिंग पॉइंट तो क्या इसमें कुछ और पॉइंट हैं इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी तो कैज़ इसका क्वांटिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिया होगा सेकंड आता है इट कैन बी पॉजिटिव निगेटिव एंड ज़ीरो तो काज़ ये पॉजिटिव निगेटिव ज़ीरो तीनों हो सकता है इट्स एस आई यूनिट इज़ मीटर तो कैज़ डिस्प्लेसमेंट की एस आई यूनिट होती है मीटर अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट गया डी तक मीन्स उसने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कंप्लीट किया फिर वहाँ से आता है बी पर मीन्स 40 पर तो गैस यहाँ पर अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट मेज़र करना होगा तो हम यहाँ से लास्ट पॉइंट तक फिर वहाँ से बैक नहीं आएंगे इसमें होता है इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल मतलब उसने स्टार्ट किया ज़ीरो से और फाइनल वो कहाँ पर पहुँचा फोर्टी किलोमीटर पर तो कहने का मतलब इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे हमारा डिस्प्लेसमेंट। गैज़ मैं आपको एक और बेस्ट एग्जांपल देता हूँ सपोज़ यह है रोड रोड आई हुई है यहाँ पर एंड हो गई है ठीक है तो गैज़ अगर हमें इसका डिस्प्लेसमेंट मेजर करना होगा तो हम ऐसे कभी नहीं जाएंगे ऐसे बिकॉज हमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है हमें वो फाइंड करना रहता है तो हम इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक डायरेक्ट डिस्टेंस मेजर करेंगे और वो जो यूनिट आएगा वो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट इसे कैसे मेजर करते हैं को हम डिस्कस करेंगे हमारे पार्ट नंबर सेकंड में जिसमें हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे उसमें हम इसे डिस्कस जरूर करेंगे यहाँ पर आप मुझे बताइए कि हमारे पास कितने डायरेक्शंस होते हैं आप कहेंगे कि हमारे पास चार डायरेक्शन होते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ तो गैज़ मैं कहूँगा चार नहीं होते हैं यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ था ये वाला तो गैज़ इसे हम लिख सकते हैं कि ये से हमें फोर्टी किलोमीटर राइड की तरफ जाना है या ईस्ट के तरफ भी जाना है तो कहने का मतलब हमारे पास सिर्फ़ चार डायरेक्शन नहीं होते हैं राइट लेफ्ट अपवर्ड डाउनवर्ड तो गाइज ये सब भी हमारे डायरेक्शन में आते हैं तो गाइज़ अभी अभी हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में डीपली डिस्कस किया है अब हम देखेंगे इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं क्योंकि गाइज़ एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो गाइज़ सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन इट इज़ द एक्चुअल पैथ लेंथ ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट तो गैज़ अभी अभी हमने देखा था डिस्टेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट ने जितना लेंथ ट्रेवल किया है उसका जो एक्चुअल लेंथ है उसे ही हम डिस्टेंस कहेंगे बट जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर एक पॉइंट और आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में एक सीधी सी लाइन आप खींच दीजिए इस टाइप की सपोज़ ये आपकी इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फ़ाइनल पॉइंट है गाइज इसमें ये मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ कहाँ से घूमते हुए यहाँ तक पहुँचे हो बट इसमें ये मैटर करता है कि आपका इनिशियल पॉइंट क्या है और आपका फाइनल पॉइंट क्या है तो कहने का मतलब एक सीधा लाइन ड्रॉ करके आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं सो गाइस सेकंड पॉइंट आता है इसमें इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है स्केलर क्वांटिटी का मतलब उसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है वेयर एज डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों देखने को मिल जाएगा फिर लास्ट पॉइंट आता है डिस्टेंस में इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड ज़ीरो तो गाइज डिस्टेंस होता है पॉजिटिव एंड ज़ीरो वेयर एज़ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा निगेटिव पॉजिटिव एंड ज़ीरो तो गाइज मैं आपको यहाँ पर बता दूँ ये डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कैसे होगा सो गाइज सपोज़ यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट गया डी तक फिर डी से वापस आ गया बी पे फिर बी से वापस आ गया ए पे, और हमें यहाँ पर फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। तो गैज यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा बिकॉज हमारे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी ए है और हमारी जो एंडिंग पॉइंट है वो भी ए ही है तो गैज़ जहाँ से हमने शुरू किया वहीं पर हमने ख़त्म कर दिया ये मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ कहाँ गए या फिर आपने कितने किलोमीटर्स और कितने मीटर्स तय किया है ये मैटर नहीं करता है बिकायज़ तो अब हम देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी इसको हम एक ही पेज पर डिस्कस कर लेंगे सबसे पहले स्पीड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी पर यूनिट टाइम तो स्पीड क्या होता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी पर यूनिट टाइम और वेलोसिटी होता है इट इज़ स्पीड विथ डायरेक्शन स्पीड की क्वांटिटी होती है स्केलर मतलब इसमें मैग्नीट्यूड आएगा और डायरेक्शन नहीं आएगा जबकि वेलोसिटी में वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आएंगे। फिर स्पीड में आती है हमारा इट इज़ पॉजिटिव तो स्पीड हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता है जो हमारा वेलोसिटी है वो पॉजिटिव और ज़ीरो नेगेटिव सब हो सकता है लास्ट में हम डिस्कस करते हैं इन दोनों के ऐसा यूनिट सो गैज देखिए ऐसा यूनिट की बात आती है स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपन टाइम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान टाइम तो गैज़ डिस्टेंस का ऐसा SI यूनिट होता है मीटर और टाइम का ऐसा SI यूनिट होता है सेकंड तो गैज़ एम बाई एस विल भी ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड और सेम प्रोसेस में वेलोसिटी की वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम तो डिस्प्लेसमेंट का होता है एम और टाइम का होता है एस मींस मीटर एंड सेकंड सो गाइज ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी का एसआई SI यूनिट तो गाइज यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारा दोनों ही एसआई SI यूनिट सेम है गाइज यहाँ पर एक टर्म आता है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वालासिटी सो गाइज सबसे पहले हम देखेंगे एवरेज इस्पीड का फार्मूला एवरेज इस्पीड इजक्ल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम सो गाइज जहाँ पर भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है वहाँ पर आप टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम करके उसे फाइंड कर सकते हैं और जहाँ पर भी एवरेज वालासिटी फ़ाइंड करनी होगी आप एवरेज वालासिटी इज्कल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टू इन सबका बाय टू आपको कर देना है तो आपका एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा तो so गाइज़ अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन गाइज हमारे पास यहाँ पर आते हैं दो टाइप्स के मोशन फर्स्ट वन है यूनिफॉर्म और सेकंड आता है नॉन यूनिफॉर्म तो इन्हें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज से तो गाइज़ सबसे पहले आता है यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है वेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस एक इक्वल टाइम में ट्रेवल करे, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम गैस सपोज ये हमारा 100 किलोमीटर 200, 300, 400 हंड्रेड फोर हंड्रेड एंड फाइव हंड्रेड गैज ये है हमारा डिलीवरी बॉय इसकी जो स्कूटर है ये एक घंटे में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है फिर अगले एक घंटे में 200 किलोमीटर तक पहुंच जाती है फिर अगले तीन घंटे में 300 किलोमीटर तो कहने का मतलब यहाँ पर एक एक घंटे का गैप है और 100-100 किलोमीटर का गैप भी है मींस यहाँ पर हर एक घंटे में सौ किलोमीटर चल रहा है जो उसकी जो स्पीड है वो सेम है वो अपने स्कूटर की स्पीड ना इंक्रीज़ कर रहा है ना ही डिक्रीज़ कर रहा है सो so सोगैज़ इसका ग्राफ कैसे बनेगा इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें एक सीधी सी लाइन यहाँ पर प्लॉट कर देनी है सो सोगैज़ अब आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म आपको नाम से ही ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि ये यूनिफॉर्म का जस्ट अपोजिट होने वाला है वेन ए बॉडी ट्रैवल अन एकवल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो कहने का मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अन एकवल डिस्टेंस जब कवर करेगा तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसका भी हमारे पास एग्जाम्पल है सपोज़ so, ये हमारा स्कूटर है एक घंटे में इसने 20 किलोमीटर कवर किया फिर अगले एक घंटे में इसने 100 किलोमीटर कवर कर लेता है तो कहने का मतलब इसका जो टाइम है वो तो सेम है बट इसकी जो स्पीड है वो कभी इंक्रीज़ हो जा रही है और कभी डिक्रीज़ हो जा रही है तो इसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो गैज इसका जो ग्राफ बनेगा सीधा कभी नहीं बनेगा इसका ग्राफ आप जिग जैग बना सकते हैं या फिर इसको आप ऐसे कर्व की तरह बना सकते हैं या फिर इधर से भी आप करों की तरह बना सकते हैं तो कहने का मतलब ये सीधा नहीं बनेगा बाकी ये किसी भी टाइप का ग्राफ बन सकता है सो so गाइज़ अब हम देखते हैं सिंबल्स इस चैप्टर में हमें बहुत सारे सिंबल्स देखने को मिलेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो में सो so गाइस हमें सिंबल्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है सबसे पहला सिंबल आता है डिस्टेंस गैज़ तो इस चैप्टर में डिस्टेंस को हम एस के साथ डिनोट करते हैं फिर आता है डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम डिनोट करेंगे डेल्टा एस ये होता है साइन डेल्टा का और फिर एस फिर उसके बाद आता है इनिशियल वेलोसिटी, जिसे हम डिनोट करेंगे यू से फिर आता है फाइनल वेलोसिटी, जिसे हम वी के साथ डिनोट करते हैं फिर आता है टाइम जिसे हम टी से डिनोट करेंगे फिर आता है एसिलेशन जिसे हम ए से डिनोट करेंगे फिर लास्ट में आता है स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी तो इन दोनों को हम डिनोट करेंगे वी से यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ हमारे पास फार्मूला आता है इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम तो गैज आपको पता है स्पीड का होता है वी तो हम इसको लिख सकते हैं वी इक्वल टू और डिस्टेंस का होता है एस देखिए तो हम लिखेंगे एस बाई और टाइम का होता है टी तो लिखेंगे टी तो इसके कहने का मतलब इस्पीड इजक्ल टू डिस्टेंस बाई टाइम मीन्स हम जो बड़े फार्मूलाज लिखते हैं उसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम इन सिंबल्स का यूज़ करते हैं गाइज अब हम देखते हैं एसीन क्या होता है द रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एसिलेशन। तो गाइस, एसिलेशन होता है वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हो जाता है इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व है इट मे भी पॉजिटिव और निगेटिव तो गाइस, एसिलेशन पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है निगेटिव एसिलेशन इज आल्सो नोन एज रिटर्डेशन और डी एसिलेशन तो गाइज़ हमारे पास जो निगेटिव एसिलेशन होता है उसे हम रिटरडेशन और डी एसिलरेशन के नाम से जानते हैं और गाइज़ इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो गाइज अब आता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन सो गाइज़ हमारे पास होते हैं दो टाइप के मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है यहाँ पर हम देखेंगे सो so सुगैज़ अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यहाँ से हम एक सीधी लाइन लेकर के जाएंगे और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो यहाँ से हम ऐसे जिग जैग लाइन लेकर जा सकते हैं यहाँ से ऐसे करो बना देंगे किसी भी टाइप का तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर देगा इससे हमें एक कंक्लूज़न मिलता है यूनिफॉर्म मोशन में सीधी लाइन होगी बाकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में किसी भी टाइप की लाइन हो सकती है सो so गाइज़ इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन सो गाइज मोशन के जो इक्वेशन हैं वो हमें इसमें डिस्कस करने हैं गाइज़ मोशन के पास होते हैं तीन इक्वेशन वी इज्कवल टू यू प्लस ए टी ये होता है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी जो टाइम का रिलेशन शो करता है और सेकंड आता है इक्वेशन ऑफ पोजिशन मतलब एस इजक्ल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और ये भी टाइम का रिलेशन शो करता है और लास्ट आता है हमारा टू ए एस इजक्ल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और ये हमें शो करता है इक्वेशन ऑफ पोजिशन वेलोसिटी का रिलेशन तो गाइज इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन इसे हम कहते हैं सेकंड इक्वेशन और इसे हम कहते हैं थर्ड इक्वेशन सो गाइज ये इक्वेशन कैसे डिराइव होते हैं इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप कहेंगे सो so गाइज वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस इसकी डेरिवेशन कैसे की जाती है और ये आए कहाँ से हैं सो so गाइज़ इसी के साथ हमारा चैप्टर का होता है दी एंड और सेकेंड पार्ट में हम इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे